हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका हिंदी की कक्षा में, आपकी प्रिय पाठ्य पुस्तिका तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तिका बाई अमित पब्लिकेशन से। हम लेकर आए आज एक बहुत सुंदर कविता, एक बहुत प्यारी सी कविता है, पाठ 6, जिसका शीर्षक है नन्हा पौधा। नीचे दिए गए चित्र में पौधा लगाने का तरीका छिपा है, इनको सही क्रम से संख्या दो। आप सोचते होंगे ना कि नन्हा सा पौधा, पहले पौधा फिर पेड़ कैसे बन जाता है। आओ कविता पढ़कर बीज से पौधा बनने का उचित क्रम समझाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जो है, सबसे पहले एक ये बीज, बीज को हमने नंबर 1, उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाला तो हम नंबर 2, उसके बाद ये देखिए छोटा सा अंकुर निकल आया हल्का सा, तो इसको हमने दे दिया नंबर 3, और फिर छोटा सा पौधा बन गया, हो गया नंबर 4। तो हमने इसे उचित क्रम में लगा दिया, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब जब हम जा रहे हैं कविता प्रवेश। पौधे लगाने का कार्य पृथ्वी की रक्षा में महत्वपूर्ण है। पौधे ना सिर्फ हमारे वातावरण को साफ और सुंदर बनाते हैं, बल्कि वायु को भी शुद्ध करते हैं। पौधे लगाकर हम अपने भविष्य के लिए एक निर्मल और सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एक बीज था, गया बहुत ही गहराई में बोया, उसी बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। अंतर में मतलब एक बीज था, गया बहुत ही अंतर में ही, मतलब अंतर, उसके अंदर एक छोटा सा पौधा भी था बीज के अंदर। उस पौधे को मंद हवा ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। ये देखिए पानी हल्का हल्का, बूंदे उस पर जल बरसा रही हैं। सूरज बोला, प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो, तुम उठकर बाहर आओ। सूरज ने क्या बोला, प्यारे पौधे निद्रा नींद दूर भगाओ, अपनी अलसाई आंखें खोलो और बाहर आओ। फिर क्या हुआ, फिर हुआ आंख खोलकर नन्हे पौधे ने तब ली अंगड़ाई, एक अनोखी शक्ति सी उसके तन में आई, नींद छोड़ आलस्य त्याग कर पौधा बाहर आया। ये देखिए, ये देखिए, बाहर का संसार बड़ा ही अद्भुत उसने पाया। तो कितनी अच्छी कविता थी ना बच्चों, कितनी अच्छी कविता थी। और अब हम जा रहे हैं कठिन शब्द करने, गहराई, अलसाई, अंतर, शक्ति, मंद, आलस्य, नन्ही, त्याग, बूंदों, संसार, निद्रा और अद्भुत। और अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। अंतर का अर्थ है भीतर, मन यानी कि धीमा, पवन का अर्थ है हवा, निद्रा का अर्थ है नींद, अलसाई मतलब आलस से भरी, अंगड़ाई यानी कि आलस में शरीर तानना, अनोखी यानी विचित्र, शक्ति ताकत, तन का अर्थ है शरीर, आलस्य यानी सुस्ती, त्याग कर यानी छोड़कर, और अद्भुत का अर्थ है अनोखा। अब हम जा रहे हैं प्रश्न उत्तर। सोए हुए पौधे को जगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सोए पौधे को जगाने के लिए उस पर हल्की सी बारिश, हल्का सा उसको जल डालना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए। अगर वो पौधा सो रहा है यानी कि मुरझाया हुआ है, तो उस पर हमें पानी की बूंदें डालनी चाहिए। आपको प्रतिदिन कौन और कैसे उठाता है? बच्चों, आपको सबसे पहले जब आप सो रहे होते हैं तो आपको कौन उठाता है, ये ज़रूर आप डिस्कस करना। मम्मी उठाती हैं या पापा उठाते हैं या दीदी उठाती हैं या दादी माँ उठाती हैं या बाहर की सूरज की किरणें उठाती हैं? तो आपको सुबह कौन उठाता है और कैसे उठाता है ये बताइएगा ज़रूर। बीज का कौन सा भाग सबसे पहले उगता है? बच्चों, सबसे पहले जब हम बीज को पौधे के अंदर मिट्टी में डालते हैं तो कौन सा भाग सबसे पहले उगता है? सबसे पहले उसमें छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, अंकुर फूटते हैं, हरे हरे छोटे छोटे, तो सबसे पहले अंकुर उगता है। जब आप आलस छोड़ते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है? बच्चों, जब हम आलस को हटाते हैं, आलस को त्यागते हैं, तो धीरे धीरे हमें फिर बहुत अच्छा लगने लगता है,
हमारे अंदर एक स्फूर्ति आ जाती है, हमारे अंदर एक जोश धीरे धीरे आने लगता है उठने का। यदि पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होगी तो आप क्या करेंगे? बच्चों, अगर आपको बोला कि मम्मी ने या दादी माँ ने या दादाजी ने कि बच्चे बेटा ये पौधा आपका है, अब आपको इसका ध्यान रखना होगा, आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, उसको धूप से बचाएंगे, उसको हल्की धूप देंगे, उसमें रोज़ पानी डालेंगे और उसका ध्यान रखेंगे कहीं कोई पौधा वो टूट तो नहीं रहा, या उस पर हवा आ रही है, उस पर सूरज की रोशनी हो रही है, तो इस तरह से उसका पौधे का हम ध्यान रखेंगे। अब है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए, जो सही है हमें उस पर निशान लगाना है। पौधे ने बाहर आने के लिए क्या किया? भोजन किया, पानी पिया, आलस छोड़ा या अंगड़ाई ली? पौधे ने बाहर आने के लिए आलस छोड़ा। पौधा उगाने के लिए बीज को किस में दबाया गया? मिट्टी में, पानी में, डिब्बी में या खेतों में? पौधा उगाने के लिए बीज को मिट्टी में उगाया। सूरज ने क्या कहा? मेरे पास आओ, नींद भगाओ, सो जाओ या अंदर जाओ? सूरज ने कहा नींद भगाओ। सूर्य ने पौधे से बोला मेरे पास आने के लिए सबसे पहले तुम नींद भगाओ। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। नन्हा पौधा बीज के ऊपर सो रहा था, जी नहीं, नन्हा पौधा बीज के अंतर यानी कि अंदर था, तो ये हो गया है गलत। सूरज ने नन्हे पौधे पर जल बरसाया, जी नहीं, सूरज ने तो अपनी किरणें दी, तो ये भी है गलत। सूरज पौधे को उठाना चाहता था, जी हाँ, सूरज पौधे को उठाना चाहता था। पौधे को बाहर का संसार बहुत ही अद्भुत लगा, जी हाँ, ये सही है, उसे बाहर का संसार बहुत अद्भुत लगा। मंद पवन पौधे को सुलाना चाहती थी, जी नहीं, मंद पवन पौधे को सुलाना नहीं चाहती थी, वो तो उठाना चाहती थी। अब है कविता की इन पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। जैसे तुम आँखें अलसाई खोलो को ये कर दिया, बीज के उसी में था अंतर, तो हम क्या लिखेंगे? बीज उसी में था अंतर। अब हम लिखेंगे अंतर में था बीज उसी के, हमने इसको ठीक करके लिख दिया, अंतर में था बीज बीज उसी के, ये हमने इसको ठीक करके लिख दिया। अब इसको करेंगे जल पर उस बसाया, तो आएगा उस पर जल बरसाया, इसको हमने ठीक करके लिख दिया, उस पर जल बरसाया। तो हमने इन पंक्तियों को सही क्रम में लिख दिया। और अब हम चल रहे हैं, और अब हमें क्या करना है? हमें कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। तो इसमें सबसे पहले है सूरज बोला, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा निद्रा दूर भगाओ, निद्रा दूर भगाओ, आप खोलो तुम, निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें, अलसाई यानी कि आलस से भरी हुई, अलसाई आंखें, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ, उठकर बाहर आओ। हमने इन कविता की पंक्तियों को पूर्ण कर दिया है। सूरज बोला प्यारे पौधे निद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। और अब हम कर रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले पूछा गया है नन्हा पौधा कहाँ सोया था? नन्हा पौधा कहाँ सोया था बच्चों? नन्हा पौधा बीज के अंदर सोया हुआ था। पौधे ने अद्भुत संसार कब देखा? पौधे ने अद्भुत संसार तब देखा जब वो बीज से बाहर आ गया। बादलों ने बीज को क्या उपहार दिया? बादलों ने बीज को उपहार दिया, उस पर नन्ही नन्ही पानी की जल की बूंदें डालकर। पौधे को प्यार से सहलाकर कौन उठा रहा था? मंद पवन, हल्की हवा जो थी मंद पवन, वो पौधे को प्यार से जो थी वो सहलाकर उठा रही थी। नन्हे पौधे को किस किस ने उठाने की कोशिश की? नन्हे पौधे को सूरज ने अपनी किरणों से उठाने की कोशिश करी, मंद पवन ने
और बादलों की नन्ही नन्ही जल की बूंदों ने उठाने की कोशिश करी। सूरज, पवन और बारिश ने नन्हे पौधे को जगाने की क्या क्या कोशिशें की। सूरज ने अपनी सूरज की किरणों ने उठाने की कोशिश करी बीज को, पौधे को। पवन ने पौधे को हल्का हल्का हवा चलाई, हल्की हल्की सहलाया उसे अपने पवन ने, तो इससे पौधे को उठाने की कोशिश की। और बारिश ने यथा बादलों ने जल की नन्ही नन्ही बूंदें उस पर डाली और इस तरह उसको जगाने की कोशिश करी। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों इस कविता को आप भी कंठस्थ करें। चलिए, इसके साथ ही पाठ समाप्त होता है, बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।